आज अपने पास आया है वीवो का एक हैंडसेट जिसमें चार्जिंग की दिक्कत है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको चार्जिंग लगाया है, हमारा जो डीसी है यहाँ पे चार्जिंग के जैसे काम कर रहा है, ये आ गया एरर, अनेबल टू चार्ज, प्लीज कॉन्टैक्ट आफ्टर सेल सर्विस। वीवो में कई सारे हैंडसेट में ये मॉडल जो है वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर में जाता है, तो हमने इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो अलग करके लिया है। अब हम इसको चार्जिंग लगा के देखेंगे। ये चार्जिंग लगा दिया है लेकिन इसमें सेम दिक्कत आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये सेंसर में प्रॉब्लम है नहीं। सेंसर के बोर्ड के ऊपर वाले जो ट्रैक है वो भी हम एक बार चेक करके लेंगे, ताकि इसमें अगर मसला रहेगा तो भी ये दिक्कत आ सकती है, तो हम यहाँ पे एक बार सब चेक करके लेंगे। तकरीबन सभी रीडिंग जो है वो सही बता रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत है ऐसा नहीं लग रहा। इसमें की कुछ लाइनें जो है वो फिंगरप्रिंट सेंसर को भी गई है, तो हम यहाँ पे भी थोड़ा चेक करके लेंगे। यहाँ ऊपर जो है वहाँ पे थोड़ा पानी लगा है ऐसा लग रहा है, तो हम इसको एक बार पहले रिमूव करके देखेंगे, फिर हम सेंसर को जो है फिंगरप्रिंट सेंसर को चेक करेंगे। ऊपर का सेल निकाल के अंदर जो LDO लगा है उसको एक बार हम चेक करेंगे। अंदर कोई वाटर डैमेज नहीं लग रहा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अपना प्रॉब्लम है नहीं। फिंगरप्रिंट सेंसर और जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है दोनों के ट्रैक जो है इस पावर आईसी के सील्ड में जा रहे हैं, तो हम ये पावर आईसी का सील भी उतार के एक बार चेक करेंगे। ये थोड़ा हल्का वाटर डैमेज लग रहा है, तो वहाँ पे कहीं है वाटर डैमेज है या नहीं है वो एक बार हम ये सील्ड निकाल के चेक करेंगे। सील को हल्के हाथ से निकालना है, इसमें ज़बरदस्ती नहीं करनी है, नहीं तो सील जो है वो नीचे के ट्रैक डैमेज कर देगा। यहाँ पे भी कुछ वाटर डैमेज है ऐसा नहीं लग रहा, तो हम इसका आगे काम स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पे हम वोल्टेज भी चेक करके लेंगे और जो डायोड वैल्यू है वो भी एक बार चेक करके लेंगे।
तकरीबन रजिस्टर भी सही दिखा रहा है, रजिस्टर का वैल्यू भी सही दिखा रहा है, और यहाँ पे वोल्टेज भी जो है वो भी हम एक बार चेक करके लेंगे। वोल्टेज भी जो है वो सही आ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई मसला है ऐसा नहीं लग रहा। मसला चार्जिंग का है, तो हम इसका जो चार्जिंग आईसी है उसको एक बार हम चेक करके लेंगे। तो ये इसका चार्जिंग आईसी है, यहाँ पे पहले किसी ने काम किया हुआ ऐसा लग रहा है, तो हम इसके वोल्टेज जो एक बार चेक करके लेंगे। तकरीबन सभी वोल्टेज जो है वो सही से बन रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। अपने पास आने से पहले ये नेटवर्क का सील जो था वो खुला हुआ था, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी दो कंपाउंड मिसिंग है, और ये नीचे वाले यहाँ पे कुछ तो शॉर्ट किया हुआ है, देखेंगे किस चीज़ का है। ये आईडी लाइन की रजिस्टर है, तो ये डालने ही पड़ेंगे। फिलहाल इसका स्कीमेटिक तो है नहीं, हम अंदाजे से जो आईडी लाइन पे 1K के रजिस्टर रहते हैं और 10K का, वो डाल के यहाँ पे चेक करेंगे। ये हमारा स्क्रैप है, इस पर से हम पहले 1K क्या निकालेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारा काम आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यहाँ पे ये 10 किलो का एक रजिस्टर है, वो भी हम वहाँ पे निकाल के डाल देंगे। ये रजिस्टर जो है जल्दी निकल ही नहीं रहा था, शायद एसी चालू होने की वजह से ये जल्दी निकल नहीं रहा था।
हमारे दोनों रजिस्टर यहाँ पे बैठ चुके हैं। हम यहाँ पे अभी चार्जिंग लगा के देखेंगे हमारा एरर हटता है कि नहीं हटता। इसका पावर की नहीं है तो हम इसको खाली चार्जिंग लगा के एक बार चेक करेंगे। यह हमने चार्जिंग इंसर्ट कर दिया है तो जो एरर था वो हट चुका है।